मैंने एक चीज ना इंस्टाग्राम पे आजकल देखी है मैं मतलब मैं मतलब वापस इंस्टाग्राम पे इसलिए आते रहता हूँ so एक पेशेंट हैं जिनकी वॉइस थेरेपी मैंने आठ हफ्तों में कर दी है एंड दिस इज साउंड अर्लियर हेलो मेरा नाम अर्पित है मैं दीपक सर के पास आया था मेरी जो आवाज है वो बहुत फीमेल लाइक -like थी मेरे को जब भी कोई फोन करता था तो बोलते ये चीनाल के फोन रख दे कॉल मत कर वो मेरी आवाज सुनते थे बोलते थे ये सचिन की एक्टिंग क्यों कर रहा है बैठ का एंड दिस इज अर्पित आफ्टर एट वीक्स ऑफ थेरेपी हेलो मेरा नाम अर्पित है मैंने आठ हफ्ते तक सर के साथ में वॉइस ट्रेनिंग लिया है पहले लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी फेमिनिन लगती थी आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत बेचैन हूँ और मैं बहुत सैड हूँ और मेरे को रोना आ रहा है तो आई वुड लाइक लाइक टू थैंक दीपक सर हैव यू सी दैट बिकॉज आई हैव दैट शिट इज हिलेरियस आई फील लाइक ऐसे इश्यूज जो होते हैं ना उनको इंस्टाग्राम पे नहीं लाना चाहिए क्योंकि अगर इस बंदे की शक्ल इंस्टाग्राम पे दिख गई अगर उसकी आवाज मोटी भी होगी ना लोग उसको नेक्स्ट टाइम जब भी दिखेंगे और भाई वो करना उनके हिसाब से ऐसा लगेगा कि वो बस बसो एक्टिंग कर रहा है अरे अरे वो वाली आवाज निकालियो भाई कौन सी वाली अरे वो वाली निकालना बहन वो वाली निकालना भाई कौन सी वाली अरे निकालना यार अरे वो वाली आवाज निकालना यार भाई कौन वाली है, उसको बस एंगजाइटी इतनी दे दी कि उसकी आवाज वापस हो गई <laughs> संजू <laughs> उस बंदे ने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी उसको लोग 150 भाई एक बार ये वाला एक्सेंट में बात कर दो <laughs>